अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान। आज दोस्तों ग्रो करने लगा हूँ मैं चेरी टमाटो। ये हाइब्रिड के चेरी टमाटो है और इनको आज उगा के देखेंगे जी कैसे उगते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी। इसके लिए जो मैं सॉइल मीटर यूज़ कर रहा हूँ, बालू मिट्टी, इसको जी अच्छे से मिक्स कर लूंगा मैं। इससे पोट भर लेंगे जी अपना। ये मैंने प्लास्टिक का पॉट लिया इस काम के लिए। जी अभी रेडी हो गया जी। ओके जी, अभी इसमें थोड़े इसको खोलेंगे जी। ये निकला है इसका लिफाफा। ये आ गए सीड्स। इसके अंदर भी कुछ हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं जी। ये काफी सारे हैं। ओके, इसको कवर कर दूंगा कोकोपीट से। और इसको पानी लगाओ तो कैसे। अभी इसको रखूँगा फुल सन लाइट में, क्योंकि अभी जनवरी का एंड है और अभी इसको चाहिए फुल सन लाइट, तभी इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। तो मिलते हैं कुछ दिन बाद, देखते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो स्टे विद मी दोस्तों। तो लीजिए जनाब, ये है 32 डेज़ का रिज़ल्ट मेरे इन चेरी टमाटोज को लगाए हुए। पूरे 32 दिन हो गए आज। तो ये 32 डेज़ के बाद आपको जो नज़र आ रहे होंगे ये छोटे छोटे पौधे, और ये मेरे हैं चेरी टमाटो। इनको मैं रखा हुआ था फुल सन लाइट में, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडक थी यहाँ पर, और जिसकी वजह से इनकी सीडलिंग की जर्मिनेशन काफ़ी लेट शुरू हुई। तो ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी सारे ग्रो हो गए हैं, कुछ अभी शायद ग्रो हो भी जाए। अभी इनको मैं रखा हुआ फुल सन लाइट में, और कोकोपीट आप देख सकते हैं, टॉप एरिया को कोकोपीट ने बिल्कुल कवर किया हुआ है। और तकरीबन अभी एक मंथ इनको मैं और रहने दूंगा इसी पॉट में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इनको मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगा, और इसके बाद ये मई में इंशाल्लाह इनका फ्रूट भी लगेगा चेरी टमाटोज़।
मेरे फेवरेट। तो ये 32 दिन का रिजल्ट आपके सामने है जी, चेरीज टमाटो का। तो इनमें अभी ट्यूबुलिस भी आ गए हैं, मतलब ऊपर पर इनके पत्तियां भी निकल आई हैं और देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कोकोपीट की वजह से इनकी जर्मिनेशन जो है वो अच्छे से शुरू हुई और इनकी टॉप सर्विस जो अभी तक आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा। और नीचे मैंने ऑलरेडी इसमें कॉर्न अंक गोबर शामिल किया हुआ है और इंशाल्लाह इस वजह से इनकी जो ग्रोथ होगी वो अच्छी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ओके फ्रेंड्स, अब चाहूँगा इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।